अच्छे होंगे। तो YouTube पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले बेसिक मैक्रम का जो पैटर्न होता है ना, वो मैं नोट्स बनाने का आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपको उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को देखिए। और तो सबसे पहले एक हम धागा ले लिए, उसको दोनों साइड से पिन कर लिए ताकि ये हमारा धागा ना खिसके। और ये देखिए, ये मैं 2 मैक्रम का कोड ले रही हूँ। अब इसको क्या करना है, धागे को इस रेड वाले धागे पे ऐसे अटैच करना है। ये हमारा अटैच हो गया। और दूसरे धागे को भी ऐसे ही अटैच करते हैं। देखिए कैसे मैं अटैच कर रही हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये ऐसे अटैच कर दूँगी और इसको बिल्कुल भी टाइट कर दीजिएगा, लूज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको हमेशा टाइट करना है। और फिर हम क्या करेंगे, जो सबसे साइड साइड वाला धागा है ना, उसको छोड़ देंगे और बीच वाला धागा को छोड़ देंगे, और साइड साइड वाला धागा को पकड़ के ऐसे फोर बना के नोट्स लगा देंगे। ये एक नोट्स बन गया। फिर ये इधर से ऐसे ये फिंगर को नीचे से इधर से निकालेंगे और ये वाले को ऊपर से डालेंगे, ये ऊपर से डालेंगे और इसे नीचे से ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा नोट्स बन गया। फिर सेम ऐसे ही ये इधर से नीचे से निकालेंगे और ये इधर वाले को ये इसके ऊपर से होते हुए ऐसे जाएंगे। और ऐसे ही सेम बना के रेडी करना है। ये देखिए, ये हमारा नोट्स वाला डिज़ाइन बन रहा है। देखिए ये हमारा, इसको बोलते हैं सिंपल नोट्स। ये होना है और साइड साइड वाले धागे को पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे सिंपल जैसे उस वाले में फर्स्ट में किए थे वैसे ही सेम वैसे ही करना है। और इस पे ध्यान रखना है, पहले तो जब हम सिंपल नोट्स बनाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में नहीं करते, डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में नोट्स बांधना है। ये देखिए, इधर से किए, इसको नीचे से निकालना है और इसको ऊपर से ही डालना है। फिर इसको नीचे से निकालना है और इसको ऊपर से डालना है। उस सेम ही प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या था कि हम चेंज करते थे और इसमें चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही बांधते जाना है। ये ऐसे ये देखिए, ये हमारा इस टाइप का डिज़ाइन बनेगा। ये धीरे धीरे देखिए ये घूम रहा है, देख सकते हैं ये घूम रहा है। ये ऐसे ही घूमता है, देखिए। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न ऐसे बनेगा। अब थर्ड डिज़ाइन हम करेंगे। थर्ड डिज़ाइन हमारा होता है, ये दो एक एक ही जो दो धागा है ना, उसको मैं एक ही धागा से बताती हूँ। ये इसको पकड़ना है और इसके ऊपर से निकालना है। फिर उसके बाद ये वाले को इसके नीचे से निकालना है। फिर ये वाले धागे को इसके नीचे से निकालना है। फिर ये वाले धागे को इससे निकालना है। फिर ये वाले धागे को इससे ऐसे निकालना है। फिर ये वाला ऐसे, ये वाला धागे को ऐसे निकालना है।
वाले ऐसे, ये देखिए हमारा ये इस टाइप से बन के रेडी हो जाएगा ये पैटर्न। अब चौथा डिज़ाइन, चौथा डिज़ाइन में हमें क्या करना है, सेम जैसे दो कोड लिए थे ना वैसे ही दो दो मैं दो दो कोड लेके और इसको इस धागे के ऊपर मैं अटैच कर दी हूँ। अब सेम क्या करना है, दो बीच वाले धागे को छोड़ना है और दोनों साइड वाले धागे को ऐसे पकड़ना है और एक सिंपल नोट तैयार करना है। जैसे मैं फर्स्ट वाले पैटर्न में बताई थी सेम वैसे ही करना है। ये देखिए ये बना ली मैं, ये देखिए ये बन गया है। अब दूसरे वाले को सेम ऐसे ही बना के ये थोड़ा गैप रखना है इसमें, ये इतना सा गैप रखना है। ये देखिए ये हमारा ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। देखिए ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है, ये हमारा चौथा पैटर्न भी बन के रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइपिंग कैसे करते हैं। तो पाइपिंग करने के लिए सबसे पहले हम तीन कोट्स यहाँ पे डाल दी हूँ, ऐसे आप कितना भी मर्जी डाल सकते हैं, पाइपिंग तो कितना में भी हो जाता है। तो मैं ये सबसे किनारे वाला कोट को पकड़ रही हूँ और ये वाला कोट को पकड़ के इसके नीचे से ऐसे निकालना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाइपिंग करने वाले जो रस्ते धागे होती है ना वो हमेशा ऊपर होती है, और जिसके ऊपर पाइपिंग करते हैं वो ऊपर रहती है, और जिससे पाइपिंग करना रहता है वो हमेशा नीचे की ओर रहता है। और पाइपिंग हमेशा दो टाइम्स करना रहता है, ये एक टाइम हमारा हो गया एक धागे से और ये दूसरा बार भी हो गया। अब हम ये ग्रीन वाले को पाइपिंग करेंगे, सेम ऐसे ही नीचे से निकालेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे और फिर वापस से ऐसे नीचे से निकालेंगे। फिर ये वाले धागे को पकड़ेंगे, नीचे से ऐसे ही निकालना है और इसको अच्छे से सेट कर देना है। ये ऐसे हमारा पाइपिंग हो जाएगा, ये देखिए ये नीचे से ऐसे हमें निकालते जाना है धागे को, ऐसे धागे को पकड़ना है और सेम ऐसे निकाल देना है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, अगर आप करने लग जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी है। अब दूसरा हम क्या करना है, अभी इसको रिटर्न कर देना है और फिर रिटर्न से हम इसको जिगजैग पैटर्न देना चाहते हैं तो इसको जिगजैग पैटर्न भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दे सकते हैं। देखिए कैसे पाइपिंग करना है, ये सेम ऐसे ही नीचे की ओर से ऐसे निकालना है, ये ऐसे निकल गया। फिर वापस से नीचे से ही ऐसे निकालना है और बनाते जाना है। ये हमारा पूरा बन के रेडी हो रहा है जिगजैग पैटर्न। देखिए देखिए कितना इजी है पाइपिंग करना, सबसे इजी मुझे पाइपिंग ही लगता है। पाइपिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस एक धागे को पकड़ो उसके ऊपर से खींच के निकाल दो। ये देखिए ये हमारा जिगजैग पैटर्न रेडी हो रहा है, ये देखिए ये ऐसे पाइपिंग करते हैं। तो है ना पाइपिंग करना इजी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दो धागे के बीच में मोती कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फोर कोट्स ले रही हूँ, फोर कोट्स में
दोनों साइड साइड वाले कोड्स को हम अलग कर देंगे, और दोनों जो सेंटर का कोड है ना उस पे हम एक मोती डालेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ पे मोती डाल दिए ऐसे, मोती डाल दिए। अब यहाँ से इसको जैसे सिंपल नोट्स बनाए थे ना, सेम वैसे बनाना है। इस धागे को पकड़ के इसको नीचे से ऐसे निकालना है, और ये वाला जो धागा है ना उसको नीचे ही रहने देना है, और इसको ऊपर की तरफ ले जा करके, ये ऐसे ले जा करके और इसके तरफ से निकालना है। देखिए एकदम आराम आराम से मैं बताऊंगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी। देखिए कितना PhD, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो इधर से जो हमारा धागा निकला है ना, वो वाले धागे को पकड़ के मुझे ये नीचे से इसको निकालना है, और वो जो ऊपर ये इधर वाला धागा है उसको मुझे इसके ऊपर नीचे से ले जाते हुए इसके ऊपर ऐसे डालना है। ये देखिए, और ये हमारा सिंपल नोट्स बन के रेडी हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है, धागे में मोती अटैच करना, धागे में मोती अटैच करना बहुत ही सिंपल है।